सुबह उठ के वो करती है सानीगापा रियाज ने देखिए मेरे पास रियाज तो ये जो है ना ये रियाज इस पे तो रियाज होना ही नहीं चाहिए रियाज अच्छा? होना चाहिए तानपुरा पे या सुरमंडल पे अच्छा, ये जो लोग हारमोनियम पे रियाज करते ये दोनों भाई वो हैं जो कि आपको नहीं पता और हमारे पास शायद इतना वक्त नहीं है कि समझा नहीं मतलब इंस्ट्रूमेंट स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स और इनके अंदर तीन ही मतलब जो तानपुरा उसमें तीन ही वो होते हैं सुर होते हैं और आप अपने बाकी सुर इसमें तलाश करते हैं तो जो हारमोनियम पे पहले मैं भी हारमोनियम पे करती थी लेकिन अभी जब से मैंने शास्त्रीय संगीत शुरू किया है बाकायदा तौर पे एक इंडियन मेरी गुरु हैं उनके साथ उन्होंने मुझे समझाई ये बात कि आप हारमोनियम पे सीखेंगे तो आप हमेशा हारमोनियम को फॉलो करेंगे आप अपना सुर तलाश नहीं कर सकेंगे और सुर ऐसे होना चाहिए कि वो आपके सामने फैला हुआ होना चाहिए तो अगर कोई कहे कि मंदिर स्थान पे प लगा के दिखाओ तो आपको पता होना चाहिए कि ये प की जगह है और आपने वो दे दी है तो वो भी मुश्किल है इट्स अ ह्यूज ह्यूज हाउ शुड आई से एक एक्सरसाइज है जो कि जिस तरह ओलंपिक्स के लिए लोग तैयारी करते हैं जिस तरह अभी आपने कहा क्रिकेट मुझे भी क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं पता सो सो लेकिन जिस तरह क्रिकेटर्स करते हैं यू नो उन क्योंकि प्रिपेयर करते हैं उसको दे प्रिपेयर देमसेल्व्स उनकी मसल मेमोरी डेवलप हुई होती है फिर उनकी एक खास स्पेशलिटी होती है तो इसी तरह से जब आप इस तरह के संगीत में घुसते हैं तो फिर आपकी इधर और इधर वो चीज़ें मौजूद होनी चाहिए अच्छा लेकिन जिस तरह आप अभी बता रही हैं तो आप ये आपके बताने से लग रहा है कि आप इस आर्ट फॉर्म के अंदर हैं बिल्कुल ना पूरी तरह से पूरी तरीके से वो हमें महसूस हो रहा है लेकिन अभी थोड़े अरसे पहले एक हमारे एक्टर्स ने गाना गाया था बहुत सारे एक्टर्स के गाने आए थे देखे होंगे जी पता नहीं वो तो गाने ही कह रहे थे उसको तो जब आप वो देखती हैं सर आप नहीं कहते उसे गाना हैं आप क्या कहते हैं मैं तो उसको नहीं गाना कहता क्या कहते हैं मैं उसको कहता हूँ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अच्छा तो आप जब देखती हैं तो आपको क्या लगता है कि ये क्या कर रहे हैं इस आर्ट के साथ या आप कहती हैं कि चलो ये भी शायद इसका एक फॉर्म है कि ट्यूनर शूनर लगा दिया और हमारे जैसा भी सुर में आ गया देखिए टेक्नोलॉजी है हाँ। उसका इस्तेमाल जो जैसे करे वो उसके हाथ में बात है अगर वो आम आवाम तक पहुंच रही है और थोड़ा बहुत भी उस पर फ़र्क पड़ रहा है आवाम पे क्योंकि संगीत सुर ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे अंदर बड़ा रचाव लेकर आती हैं लेकिन चूँकि आप जब चीखेंगे तो आवाज़ बुरी लगती है सही है मैं भी एक सुर में बात कर रही हूँ आपका सुर अलग है बात करने का आपका अलग है हम सब एक सुर में बात करते हैं सही है आप सिंधियों को देखें सिंधी गा के बात करती है लैंग्वेज का स्टाइल ही है उर्दू में अगर पंजाबियों को देख लें पंजाबियों का भी अभी जिस तरह आप लोगों का इतना मजे का रैप चल रहा था पंजाबी रैप पंजाबी टप्पे क्या हैं रैप हैं हाँ और एक खास किस्म की ट्यून क्योंकि वो उनका इंस्ट्रूमेंट अलाउ करता है उस आवाज में उस चीज को वो रैपिंग लेके चलते हैं तो सुर हमारे अंदर है हमारी आवाज एक सुर है हमारा सबसे ज्यादा जो अगर हम अपनी दरवाजे भी बंद कर दें तो उसमें से जब हवा गुजरती है तो एक सुर हमें महसूस होता है कि वो एक सीटी सी बजती है वो सीटी अच्छी होती है नहीं अच्छी लगती वो आपकी मर्जी है आपको अच्छा लगे लेकिन ये हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं ये फ्रीक्वेंसीज हैं हमारे फ्रीक्वेंसी है ना सुर भी है तो ये मौजूद है इनको सिर्फ जब हम इनके साथ वन नहीं होते और हम इनको धुतकारते हैं तो फिर हमारे अंदर का इंसान मर जाता है क्योंकि हमारी हर चीज़ फ्रीक्वेंसी पे काम कर रही है सेल्स का अलग सुर है दिमाग अलग सुर पे चल रहा है दिल का धड़कना एक अलग सुर पे है आप अगर दिल को सुनेंगे उसकी एक थाप ज़रूर आपको महसूस होगी धक धक महसूस होगी लेकिन उसका एक सुर होगा उसको सुनने की बड़ी ज़रूरत है पर बाहर की नफ्सा नफसी इतनी ज़्यादा है कि कभी हम सुनते ही नहीं उसको इसलिए जब दिल का सुर हिलता है तो तबीयत खराब हो जाती है अच्छा वो भी होता है बिल्कुल सही कह रहे हैं आपके पेट का भी एक सुर है अगर आप सुनना शुरू करें अपनी अल्ट्रासाउंड के थ्रू सुने तो हर ऑर्गन का एक अलग सुर चल रहा है बट देर वर्किंग इन कंजंक्शन विद ईच अदर और तभी आप एक कंप्लीट इंसान कभी आप खुश होते हैं कभी नहीं होते तो वो आपका सुर हिलता है आपकी फ्रीक्वेंसी हिलती है तो वो मसाइल आपको दरपेश आना शुरू होते हैं वरना कितने बड़े बड़े मसले होते हैं जिनको हम आसानी से पार कर जाते हैं पर कभी छोटा सा मसला जो है वो हमें लेके बैठ जाता है तो ये जो चीज़ें हैं ना ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है तो अगर लेट्स सपोज हम अगर इसको पॉप कल्चर का नाम दें तो अगर ये गाना भी उस लोगों तक पहुँच रहा है और लोग उसको गुनगुना कर खुश हो रहे हैं उसके साथ नाच रहे हैं झूम रहे हैं वेल एंड गुड लेकिन हैविंग सेड ऑल दैट कोई भी चीज़ अपनी ऑर्गेनिक और क्लासिकल फॉर्म से हटा कर अगर सीखी जाएगी और कहा जाएगा ये तो पुराना ट्रेडिशनल फॉर्मेट है तो वो आधी पचदी होगी उसकी कॉम्पोजिशन
उसका ठहराव, उसकी जो ज़मीन के साथ उसका वो है कनेक्शन है, वो टूटा हुआ होगा, हमेशा टूटा हुआ होगा, वो थोड़ी देर तक वो रहेगा, चमकता चमकता रहेगा, हाँ, उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए आज आप बहुत सारे गाने देख लीजिए, आपको जब तक वो बीट नहीं मिलती, जब तक म्यूज़िक नहीं मिलता, आपको समझ ही नहीं आता आपने गाना कैसे है। ठीक है, पॉप म्यूज़िक ज़्यादातर ऐसे ही है, बहुत सारे गाने याद नहीं रहते इसी वजह से, क्योंकि उनकी जो सिरा है वो कभी सेट ही नहीं हुआ, जो जिसे हम कहते हैं ना सा, उसका सेट होना चाहिए। ऑल्दो दिस इज़ नॉट वेयर इट वुड अप्लाई, लेकिन अगेन आपका जब सुर मुंजमद है तो फिर आपका जो आगे बाकी सुरों में आप कंपोज करेंगे वो एक खूबसूरत तस्वीर बनकर सामने आएगा। तो ये डिफरेंस है, लेकिन गाने सब अच्छे हैं अगर वो आपको महसूस कर रहे हैं तो वो अच्छे हैं। मैडम आपकी अगली क्लास कब होगी? सर अब मैं आपको चार्ज करूंगी। आप इतनी मजेदार आप बात कर रही थी कि दिल ही नहीं चाह रहा उसको इंटरप्ट करने का। मजेदार 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 शो।